preview. वेलकम टू फोर व्हीलर स्कूटर और आज यहाँ पर हम हैं अपने विलेज स्टोरी पर जो कि अभी है पार्ट टू, जहाँ पर हम ट्रैक्टर के ऊपर आपको दिखाने वाले हैं कि फार्मिंग कैसे की जाती है और क्या क्या हमारे यहाँ पर फार्म में उगता है और होता है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, क्योंकि मैं चलाने वाली हूँ आज ट्रैक्टर अलॉन्ग विद फोर व्हीलर स्कूटर। सो सब्सक्राइब टू फोर व्हीलर स्कूटर फॉर लॉट ऑफ फन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स सी वेयर इट गोज। जहाँ एक तरफ मैं ट्रैक्टर की क्लासेस दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ ये शहर के लड़के गांव की लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं। और अब हम अपने खेतों की तरफ जाकर वहां पर ट्रैक्टर फार्मिंग करेंगे गाइस। तो चलिए हम लोग आपको लेकर चलते हैं अपने विलेज टूर पर। गांव की दोस्तों बात ही अलग होती है। आप लोगों ने हमारा पार्ट वन विलेज टूर तो देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। जो सादगी है, जो सिंप्लिसिटी है, इट इज़ ब्यूटिफुल। मैं आपको आगे अपने खेत भी दिखाने वाली हूँ, शुगर केन, जीरी, सरसों। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी ऑसम गाइस। आया हमें बहुत ही मज़ा, क्योंकि हमने अभी आपने देखा ट्रैक्टर चलाया, थोड़ा सा ओवरवेट हो गया था वहाँ पर भैया ने बोला, लेकिन कोई बात नहीं। वेरी गुड पार्टनर, गुड जॉब। हमने की वहाँ पर टिलिंग। तो टिलिंग क्या होती है आर्यवीर, बताओ तो कैसे? जब ऐसे मतलब एक टाइप ऑफ एक पार्ट लगा होता है वो ऐसे ऐसे जाता है। करेक्ट है, ऐसे जाता है और फिर उसमें ऐसे बीच में से जगह मिलती है तो वहाँ पर अंदर बीज बोते हैं, मैन्योर डालते हैं, है ना। तो आप बताओ अपनी फील्ड्स के बारे में बताओ। तो यहाँ पर जो फील्ड्स हैं, लाइक ये मेरे भैया की फील्ड्स हैं। सो इस तरफ शुगर केन है, इस तरफ भी शुगर केन है, पीछे जीरी विच इज़ लाइक राइस गाइस, एंड सनफ्लावर की भी है यहाँ पर, सरसों भी है, एंड वहाँ पर है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हम लोग सिटी लाइफ में इतने ग्रॉस्ड हो जाते हैं कि जब हम यहाँ पर आते हैं ना, वी फील लाइक वाओ क्या लाइफ है यहाँ लोगों की। सिंपल लोग हैं, सिंपल खाना है, सिंपल तरीके हैं। हमारे पास सब पैक्ड आता है, लाइक चीनी आती है तो वो पैक्ड आती है, लेकिन एक्चुअली वो बनती कैसी है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शुगर केन यहाँ पर है वो इस तरीके से यहाँ लगाई जाती है और उसके बाद में वो जो यहाँ पर कहाँ जाती है, ये मिल में जाती है ना, शुगर मिल में बांधना भी पड़ता है ऐसे। ये सब ऐसे ऐसे फैल जाती है, फिर उनको ऐसे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ऐसे बांधना पड़ता है ताकि एक साथ रहे, एंड फिर शुगर मिल में जाकर बनती है प्रोसेस शुगर और चीनी जो आप खाते हैं घर पे, वो सारी चीज़ें। तो गाइस दिस इज़ द प्रिटी साइड ऑफ आवर विलेज मंडोली, जहाँ पर हम अभी हैं। तो अरेवीर, क्या आप कुछ कहना चाहोगे जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए? यहाँ पर ज़रूर आए, यहाँ पर ज़रूर आए, कुछ वक्त आप निकालें और आए हमारे गाँव मंडोली में। सो गाइज दिस इज सरसों, जैसे कि आपने देखा होगा DDLJ में इसको, और DDLJ यहीं पर शूट नहीं हुई थी, बट यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर काटी जा रही है सरसों, और ये सरसों से बनता है सरसों का तेल, ये है सरसों का फूल। टेक अ लुक, और क्या आप बने हो अप्रैल फूल। ये मेरे तकरीबन 80 साल ओल्ड कज़न ताऊजी हैं जो अभी भी फार्मिंग कर रहे हैं, और करण पहली बार मिल रहा है तो आशीर्वाद लेना तो बनता है गाइस। और यहाँ पर आ रहे हैं हमारे करण अर्जुन, एंड दे आर बीइंग फॉलोड और रादर गाइडेड बाय समवन। सो गाइस कैसा लगा आपको आपका खेत का टूर? हम अभी करण अर्जुन 2 का शूटिंग यहाँ पे करने वाले हैं। नेचर एट इट्स बेस्ट गाइस। अब वैसे तो करण प्लेन उड़ाता है, लेकिन जब वो ससुराल में आया तो ससुराल का फार्मिंग का ट्रैक्टर तो चलाना बनता है,
और एक तरफ करण को बहुत मज़ा आया और हमें भी, लेकिन जब अजय ने ट्रैक्टर चलाना शुरू किया तो उसने इतनी धीरे चलाया कि हम लोग तो उसको छोड़कर ऑलरेडी घर के लिए निकल गए, वरना हमें वहाँ पर तो रात ही हो जाती गाइस। So guys, this was it. We had super fun today. I hope you guys also enjoyed our village tour. आज का दिन यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन please do like the video. Comment below आपको कैसा लगा मंडोली, which is our गाँव, और आप लोग अपने comments नीचे छोड़ सकते हैं. And share the video with your friends. And do not forget to subscribe to 4-Wheeler Scooter guys. See you next time with another exciting video. Till then, tata, see ya, ciao, namaste. No.